नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानमृत पर। दोस्तों, हमारा आज का विषय है आचार्य शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा हुआ निबंध साहित्य। तो आइए दोस्तों, अब अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आचार्य शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा हुआ यह निबंध साहित्य उनके साहित्य से संबंधित विचारों को बताता है, जिसे उन्होंने इस निबंध में कलमबद्ध किया है। तो आइए एक एक कर उनके विचारों को जानते हैं। तो सबसे पहले वह साहित्य की परिभाषा और स्वरूप को बताते हुए लिखते हैं कि साहित्य समाज की आंतरिक दशा का दर्पण है, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षक है, इसमें सहित का भाव है। यह अपने अंदर वह सब कुछ समेटे हुए है जो मानव जाति के जीवन के लिए हितकर है, सुखकर है और श्रेयस्कर है। इसमें हम समस्त ब्रह्मांड का चित्र देख सकते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष कुछ भी इससे परे नहीं है, यह सर्वशक्ति संपन्न है। दोस्तों, आगे वे साहित्य के संरक्षण पर जोर देते हुए कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरने का काम साहित्य ही करता है, अतः यह सर्वतोभावेन संरक्षणीय है। दोस्तों, वे कहते हैं कि सब कुछ खोकर भी यदि हम इसे बचा लेंगे तो सब कुछ पुनः प्राप्त कर लेंगे, परंतु यदि हम सब कुछ पाकर भी इसे खो दिए तो हम फिर इसे कभी नहीं पा सकेंगे। यह हमारे पूर्वजों की कमाई है। यह समस्त ब्रह्मांड नश्वर है, परंतु साहित्य अविनाशी है। अतः जो साहित्य का दामन पकड़ेगा वह भी अमर हो जाएगा। आगे वे कहते हैं कि जब भारत पहली बार गुलाम हुआ, उसकी स्वतंत्रता खो गई, धन संपत्ति लुट गई, विपुल ऐश्वर्य एवं स्मारक तक लुप्त हो गए, पर उन्होंने साहित्य को बचा लिया, उसे भ्रष्ट या विनष्ट नहीं होने दिया। जब ग्रंथों को जलाया और फाड़ा जाने लगा, तब मस्तिष्क और कंठ में धारण किया गया, तो फिर भला हम उस ज्ञान भंडार को क्यों न बचाएं? हमारा साहित्य विश्व साहित्य का मेरुदंड है। हमारे साहित्य में आज भी जो कुछ है अनोखा है, अनूठा है, अमूल्य है और अनिर्वचनीय है। दोस्तों, आगे वे हिंदी और साहित्य के विषय में कहते हैं कि हमारी हिंदी साहित्य अभी आधे से अधिक अप्रकाशित है। अनेक प्राचीन ग्रंथ कहीं किसी घर में रखे हुए हैं या कहीं दीमक दावत उड़ा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अनेक आधुनिक साहित्यकारों की कृतियां भी प्रकाशकों के अभाव से अथवा हमारी अगुणज्ञता एवं असावधानी से प्रकाशित नहीं हो पाई है। यदि संपूर्ण हिंदी साहित्य प्रकाशित हो जाए तो हिंदी का रत्नागार भी देखते बने। कुछ लोग हिंदी में ग्रंथों की संख्या को लेकर उसे हेय समझते हैं, उसे नीचा समझते हैं, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि ग्रंथों की संख्या बाहुल्य किसी साहित्य की श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना साहित्य छापे खानों से प्रकाशित हुए हैं उतने ही हैं, यद्यपि उससे भी अधिक हमारे चारों ओर के गांवों में भरा और बिखरा पड़ा है। इस ग्रामीण साहित्य के अंतर्गत ही देश की अधिकांश जनता के हृदय की अनुभूतियां भरी पड़ी हैं। उन्हीं में गांवों के देश भारत के सुख दुख की सच्ची अभिव्यक्ति है। यदि उनके संग्रह का कार्य यदि थोड़ा थोड़ा भी सभी हिंदी प्रेमी बांट ले तो एक एक मुट्ठी चून से महाभोज हो सकता है। आगे वे साहित्य के उत्कर्ष के विषय में कहते हैं कि साहित्य के उत्कर्ष के लिए सभी साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों का सहयोग तथा सामूहिक प्रयास आवश्यक है। यदि हम साहित्य की उन्नति चाहते हैं तो हमें भोग विलासी की जगह विद्या विलासी बनना होगा। केवल अन्न की भूख और पानी की प्यास की तरह नहीं, बल्कि वासना की भूख और पानी की प्यास की तरह। जब हमें साहित्य की भूख प्यास भी लगने लगेगी तब हमें समझना होगा कि साहित्य अब हमारे रोम रोम में रम चुका है। इस संसार में साहित्य का रस सभी रसों से आला है और निराला है। अतः साहित्य का रस जिसने प्राप्त कर लिया उसके लिए यह पृथ्वी ही स्वर्ग बन गया। अगला बिंदु है साहित्य का आस्वादन। तो निबंधकार कहते हैं कि साहित्य का रस जिस रस में मिल जाता है उसे अनुपम माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है। यदि हम साहित्य के रस से वंचित हैं तो इस प्रकृति में भी हमारे लिए कोई रस नहीं है। संसार का प्रत्येक वस्तु हमें नीरस ही लगेगा। यदि हम
साहित्य के रसज्ञ नहीं हैं तो हमारे लिए कमनीय कामनी कटाक्ष, शिशु की मंद मुस्कान, नायिका के मान, कृषक कन्या के गान, शरद पूर्णिमा की चांदनी, अंगराई लेता हुआ यौवन, इन सबों में कभी भी हमें रस का आभास नहीं मिलेगा। साहित्य के संसार में बिना गोता लगाए हम समुद्र, नदी, पर्वत, वन, उपवन, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र मंडल, पशु पक्षी आदि का आभ्यांतिक सौष्ठव नहीं देख सकते हैं। फूल को जितना साहित्यिक समझता है उतना शायद भौरा भी न कभी समझता होगा। दोस्तों, अगला विषय है साहित्य और भक्ति। तो वे कहते हैं कि साहित्य ने ही भगवान को भी भक्तों के मानस मंदिर में प्रतिष्ठित किया है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, मीरा सबके सब साहित्य की ही सजीव प्रतिमा है। इनके ही प्रयासों से मंदिर में स्थापित प्रतिमा लोगों के मन मंदिर में स्थापित हुई है। छठा विषय है साहित्य और अभिव्यक्ति। तो निबंधकार कहते हैं कि साहित्यकार को प्रकृति ने या सृजनकर्ता ने ऐसी शक्ति दी है जिससे वह अतीत को भी वर्तमान बना सकता है तथा भविष्य के रहस्यों को खोल सकता है। वह कांच को कंचन बना सकता है और दृश्य को भी दृश्यमान कर सकता है। वह सदियों पहले के युद्धों की विभीषिका को भी व्यक्त कर सकता है। उसके मुख से यदि आप सुनना चाहते हैं तो राम का धनुष टंकार सुन लें, पार्थ का गांडीव घोष सुन लें, भीम के प्रचंड गदा का वार सुन लें, कृष्ण की वंशी की तान सुन लें, हल्दीघाटी के तलवारों की झंकार सुन लें, शिवा और गुरु गोविंद की प्रलय ललकार सुन लें। उसके सामने रेडियो और ग्रामोफोन की क्या हस्ती है। दोस्तों, अपने सातवें और अंतिम विषय में वे साहित्य की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि यदि साहित्य न होता तो हमारे बीच राम और कृष्ण भी न होते। उसी के बल पर हम मदांध साम्राज्यवादियों को भी चुनौती देने का साहस करते हैं। उसी का तेज हमारे निष्प्राण नसों में बिजली भरती है। उसी साहित्य का संदेश हमें पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उद्बुद्ध एवं कटिबद्ध करता है। उसी की शंखनाद से हमारी मोह निद्रा भंग होती है। यदि वह हमारे साथ न चलेगा तो हमारा अपने पूर्वजों से नाता टूट जाएगा। हम गर्त में, अंधकार में चले जाएंगे। साहित्य की महत्ता की कोई यत्ता नहीं है। अतः साहित्य की आराधना करना प्रत्येक मनुष्य का एकांत कर्तव्य है। दोस्तों, यह निबंध माधुरी नामक पत्रिका में 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।